बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज का टॉपिक था वैलिडेशन। कल हमने पढ़ा था वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में ये था कि आप किसी प्रोडक्ट को बनाने से पहले टेस्टिंग करते हैं कि प्रोडक्ट हमारा किस वे में बन रहा है। और वैलिडेशन में ये है कि प्रोडक्ट जब आपने अपना सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोग्राम आपने डेवलप कर लिया, उसके बाद देखना कि वो जो हमारे प्रोडक्ट है या सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम जो यूज़र्स ने हमें कहा उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा उतर रहा है या नहीं। तो वैलिडेशन बेसिकली क्या है कि टेस्टिंग वैलिडेशन मींस मेकिंग श्योर दैट अ प्रोडक्ट और सिस्टम डज व्हाट इट्स सपोज्ड टू डू अकॉर्डिंग टू इट्स इंटेंडेड रिक्वायरमेंट। यानी ये देखना कि आपका प्रोडक्ट या सिस्टम जो यूज़र्स ने कहा आपको बनाने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा पूरा उतर रहा है या नहीं। इट कन्फर्म दैट द एंड रिजल्ट मीट द स्पेसिफाइड एक्सपेक्टेशन एंड फंक्शन करेक्टली इन इट्स इंटेंडेड एनवायरनमेंट। यानी जो भी आपने फंक्शंस उसमें पुट किए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेटली वर्क कर रहे हैं या नहीं, कुछ एरर वगैरह तो नहीं शो कर रहे। जैसे एक सॉफ्टवेयर है वो कैलकुलेट कर रहा है तो क्या वो एक्यूरेट आंसर उसका गिव कर रहा है या नहीं, एक्यूरेटली रिजल्ट हमें शो करवा रहा है या नहीं। इस तरह उसकी टेस्टिंग करना कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है या सिस्टम है वो बिल्कुल एक्यूरेट वर्क कर रहा है। अब जो वैलिडेशन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए टेस्टिंग के दौरान, सबसे पहले हमें देखना चाहिए ऑल द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र मस्ट बी फुलफिल। यानी जो हमारे जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है यूज़र की वो सारी फुलफिल्ड होनी चाहिए। द बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर मस्ट बी करेक्ट। यानी जो सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है उसका बिहेवियर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। यानी उसमें कोई एरर वगैरह की कोई गुंजाइश कुछ इस तरह की एरर कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। ऑल द कंटेंट इन प्रॉपरली प्रेजेंटेड विद एक्यूरेसी। यानी जो भी कंटेंट हमने सॉफ्टवेयर पे लगाया है वो बिल्कुल ही एक्यूरेट वर्क करना चाहिए। एक्यूरेट द डॉक्यूमेंटेशन, जो भी हमने डॉक्यूमेंटेशन जो सॉफ्टवेयर रेडी किया उसके बाद हमें उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखनी चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया जो उसकी जो हमने डॉक्यूमेंटेशन लिखी है वो बिल्कुल ठीक है। असेंशियल रिक्वायरमेंट लाइक यूजबिलिटी एरर रिकवरी मेंटेन एबिलिटी आर मेल। अब उसके बाद हमने देखना है कि डॉक्यूमेंटेशन बनाने के बाद देखना है कि जो हमारा जो सिस्टम है या जो सॉफ्टवेयर है क्या हम उसे दोबारा से मेंटेन, अगर उसमें कोई ख़राबी आ जाए तो उसे दोबारा से मेंटेन किया जा सकता है। क्या उसकी एरर की रिकवरी, अगर वो एरर शो कर रहा है तो उसकी रिकवरी की जा सकती है। तो ये सब हमें किसमें देखते हैं, हम ये सब क्राइटेरिया हम देखते हैं वैलिडेशन में। यानी जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद जो टेस्टिंग की जाती है उसमें ये सब हम देखते हैं। तो सो आज हमने पढ़ा कि वैलिडेशन एंड टेस्टिंग क्या होती है। बेसिकली वैलिडेशन टेस्टिंग यही है कि हम अपने सॉफ्टवेयर के मुताबिक देखते हैं कि इसमें कुछ एरर वगैरह शो नहीं करवा रहा, अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप होने के बाद की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स। चलो थैंक यू सो मच।